जय हिंद दोस्तों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पे एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। आप अगर देखेंगे वीडियो में तो ये देखने में आपको लगेगा कि कितनी बड़ी ये रैली है। हाँ आनंद, आमच्यासाठी दिवाळी पेक्षा मोठा आहे साहेब। खरंच धन्यवाद तुमच्या चॅनलला, तुम्ही एक सुंदर कार्यक्रम कव्हर करताय। तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या पुढील वाटचालासाठी। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र, हा हिंदुस्थान असाच सुजलाम सुफलाम राहील ही देवाकडे प्रार्थना करतो। जय जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। हमारे साथ हैं विक्रम प्रताप सिंह जी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना पहले तो सभी सिटी हेडलाइन के दर्शकों को और पूरे भारतवर्ष के जो हिंदू साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का 392वीं जयंती है। और निश्चित तौर पे दो साल जो कोरोना का काल गया है उसमें सभी हमारे हिंदुस्तानी भाई जो है, चाहे हिंदू मुसलमान, हमारे जिस सभी भगवान को मानने वाले, ऐसे महापुरुषों को मानने वाले सभी लोगों ने अपने भावनाओं पे कहीं ना कहीं काबू रखा है। लेकिन दो साल बाद धीरे धीरे प्रकृति ने, ईश्वर ने, भगवान ने हम लोगों को कोरोना से कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाई है लगभग जो है। ऐसे समय में हम लोग जो है पूर्ण रूप से उत्साहित है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की लड़ाई लड़ी, भारत की संस्कृति की लड़ाई लगी और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने आज़ादी का बिगुल बजाया जो है, ऐसे महापुरुष का जयंती है। जिसमें आज शिवसेना मीरा भाईंदर, हमारे लोक लाडले विधायक प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में, हमारे संपर्क प्रमुख सरनाईक साहब जो है के नेतृत्व में, हम लोग सब लोग जो है आज पूरे मीरा भाईंदर की शिवसेना जो है, हमारे खासदार राजन विचारी जी के नेतृत्व में, हम लोग सब लोग जो है आज देखिए बड़ी संख्या में जो है आज ये हमारा भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है। इसमें सभी जात पंथ प्रांत मजहब के, इसमें मुस्लिम भाई हमारे बांधव शामिल हैं, ईसाई भाई शामिल हैं, हमारे सभी हिंदी भाषी, तमाम यहाँ के लोकल स्थानीय सभी लोग जो है, तमाम प्रतिसाद मिल रहा है। शिवाजी महाराज के प्रति एक भावनात्मक जो है लोगों का लगाव है। और मीरा भाईंदर में जो है एक स्वर्णिम मीरा भाईंदर बनाने का कल्पना जो है प्रताप सरनाईक जी ने जो ठाना है उसे कहीं ना कहीं साकार करते हुए खासदार साहब ने उसमें योगदान दे रहे हैं, गीता जी योगदान दे रही है, हमारे शिवसैनिक योगदान दे रहे हैं। शिव जयंती की सभी बंधु बांधवों को ढेर सारी शुभकामना। तभी शिवाजी महाराज हम सब लोगों के आराध्य देव हैं और हिंदू समाज की स्थापना करने वाले ऐसे महापुरुष की जयंती पे हम सब एक साथ मिलकर जो उनकी तिथि के हिसाब से जयंती में, आज तिथि के हिसाब से उनकी जयंती शिव सैनिक लोग मनाते हैं। हालांकि एक जयंती हम लोग और पहले मनाते हैं, लेकिन एक खासतौर हमारे परम पूज्य बाला साहेब ठाकरे जी ने जो तिथि का रूप में दिया, इससे शिवसेना के सभी शिव सैनिक दिल से इस जयंती को हाथों हाथ लेते हैं और शुभकामना देते हैं कि ये हमारा भगवा सब दिन कायम रहे। इस भगवा के लिए हमारे कितने शिव सैनिक और शिवाजी महाराज के नेतृत्व में भी हमारे बहुत लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दिया है, उस मौके पर हम सबको नमन भी करते हैं। सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप इस अच्छे पवित्र हमारे उत्सव को आप कवर कर रहे हो। सगळ्यात पहिल्यांदा सर्व शिवसैनिकांना आपल्या या सणाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आदरणीय संपर्क प्रमुख प्रताप सरनाईक साहेब यांच्या आदेशाने, मार्गदर्शनाने या पूर्ण मीरा भाईंदर शहरामध्ये प्रत्येक शाखेत शिवसेनेच्या माध्यमातून शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होते। मला आनंद वाटतो या शिवजयंतीचा, ही 392 शिवजयंती याचा एक इतिहास आहे। म्हणजे शिवसेनेचा फक्त प्रचार म्हणून शिवजयंती नाही, याचा एक इतिहास आहे। 1869 रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी पहिल्यांदा रायगड किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं समाधी शोधून काढली आणि त्यांचं महत्त्व लोकांना कळावं, त्यांचं काम लोकांना कळावं, त्यांचा पराक्रम लोकांना कळावा म्हणून 1870 रोजी पहिली शिवजयंती या महाराष्ट्रात पुण्यात साजरी झाली। त्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी ही शिवजयंती घराघरात पोचावी, कारण शिवजयंतीच्या माध्यमातून तरुण लोक एकत्र येतात, एक क्रांती होते। त्यावेळेला ब्रिटिशांना, इंग्रजांना आपल्या भारताच्या बाहेर काढायचं होतं, त्यामुळे एकत्र आणण्यासाठी ही शिवजयंती साजरी करण्याचा एक प्रकारची परंपरा सुरू झाली। आणि ही परंपरा 20व्या शतकात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायम राखली। 20व्या शतकात 2 वेळा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिवजयंती समितीचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष होते, अशी ही परंपरा आहे शिवजयंतीची। 392 हे वर्ष आहे आणि या शिवजयंतीचं महत्त्व आमचे आधारस्तंभ, आमचे सर्वस्व आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी जाणलं आणि ही शिवजयंती साजरी झाली पाहिजे। महाराष्ट्रात शिवसैनिक या शिवजयंतीच्या माध्यमातून एकत्र आला पाहिजे, या मातीशी प्रेम केलं पाहिजे, या मातीशी एकरूप राहिलं पाहिजे, या मातीची निष्ठा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी मावळ्यांना शिकवली ती आम्हा तरुणांपर्यंत पोहोचावी,
म्हणून हा उत्सव साजरा केला जातो, तो हा उत्सव आणि या उत्सवाला एक आनंद आहे आणि हा आनंद आमच्यासाठी दिवाळीपेक्षा मोठा आहे। साहेब खरंच धन्यवाद तुमच्या चॅनलला, तुम्ही एक सुंदर कार्यक्रम कव्हर करताय, तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र हा हिंदुस्थान असाच सुजलाम सुफलाम राहील ही देवाकडे प्रार्थना करतो। जय जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए कैसा इन्होंने कहा, जब बोल रहे थे तो इनके दिल से, इनकी आवाज़ में वो जज्बात था, वो प्यार था। मतलब ये सिर्फ एक दिखावे के लिए ये नहीं है, ये त्यौहार है। उन्होंने कहा कि ये जो आज का दिन है हमारे लिए दिवाली के जैसा है, दिवाली जैसे। तो मैं कहता हूँ ना कि ये जो दिन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जयंती है, ये लोग जो है त्यौहार की तरह मनाते हैं। और ऑफ कोर्स दो साल से ये त्यौहार कहीं ना कहीं सिंपथेटिक मिस कर रहे थे, मना नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर आप विजुअल में देखेंगे तो हजारों की संख्या में लोग रोड पे निकल पड़े हैं, कहीं ना कहीं रैली निकाल करके अपना प्यार अपना सम्मान जो है बता रहे हैं कि वो किस तरह से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।